नरेंद्र मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों को कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास जाइए। अब मैं बात कर रही हूं बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच के बारे में। बीजेपी ने इस साल 10 मार्च से पूरे देश में मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मुसलमानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। इसमें समाज के पढ़े लिखे और ओपिनियन मेकर्स को मोदी मित्र बनाया गया है। इसी महीने बीजेपी ने सूफी संवाद भी शुरू किया है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर और केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले तारिक मंसूर यूपी में एमएलसी वो बने थे, ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ। इसमें राज्यों के स्तर पर जो पोस्टिंग हुई है, जो पदाधिकारी चुने गए हैं, वो मैंने शामिल नहीं किए हैं। हमारे देश में लोग अक्सर धारणाओं पर वोट करते हैं, पार्टियों को चुनते हैं, लेकिन इन धारणाओं को हकीकत के पैमाने पर परखना जरूरी है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि इमेज नहीं, हकीकत को परखना जरूरी है। बयान बहादुरों पर नहीं, काम बहादुरों पर एक बार गौर करना जरूरी है, ताकि नफरत ना फैले, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पर आप काम के आधार पर अपना वोट रखें, ना कि नाम के आधार पर।